मेरे से हमारे दरमियान खुदावन के खादिम पास्टर असमत मौजूद हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के कलाम के लिए और खुदा के बंदा के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। कितने लोग मेरे चेहरे को देख सकते हैं? हालेलुया। खुदा की शाइश शौक मेरे चेहरे पर आप उस खुशी को भी देख सकेंगे, देख सकते हैं। ये सामने देख प्रेरणा जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये सामने नजर आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को नजर आ रहा है? क्या लिखा है? हैप्पी 2020। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, ओ हम तो खुश हो गए। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये साल जो 2020 हमें मिला है, 2020 हमें मिला है, चर्च ने इस साल को हैप्पी करार दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये साल खुशी और शादमानी का साल है। आमीन, आमीन। इस साल को खुदा के लोगों ने, चर्च ने हैप्पी, खुशी, शादमानी का साल करार दिया है। इसलिए मैं ईमान रखता हूं कि जब स्टेज से या खुदा के लोगों के दिल से आवाज निकलती है, एक ख्याल निकलता है, वो रोया जो खुदा की तरफ से उन्हें मिलती है, तो वो हमारी जिंदगियों में जाहिर होती है। आप सबको हैप्पी 2020। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर साल चर्च एक कैलेंडर निकालता है और ये कैलेंडर जो होता है हमारा प्लानर भी होता है। इसमें पूरे साल के प्रोग्राम जो है वो प्लान हो चुके होते हैं, वो आपके सामने आते हैं। और इससे बढ़कर हर साल कैलेंडर पे एक आय जो ऊपर नजर आती है, वो उस साल की हमारी एक खास आयत होती है जिसको हम अपने सामने रखते हैं। कितने लोगों के घरों में कैलेंडर पहुंचा है? कितने लोगों ने अपने घर में लगा लिया है? कितने लोगों ने उस आयत को पढ़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को याद है? भाई के लिए तालियां बजा दें। पति की तरफ से कैलेंडर की आय किसी को याद है? क्यों भाई, हमेशा कभी ना आगे नजर आती है, लेकिन क्या तो कुछ उलट नजर आ रहा है। हाँ जी, अच्छी कोशिश है, इनके लिए भी तालियां बजा दें। इसी आयत को हम तलावत करेंगे और फिर इसी को सीखने की कोशिश करेंगे। जबूर बचपन उसकी 22वीं आयत, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे
वो तुझे संभालेगा, वो साधु को कभी जुम्बश ना खाने देगा। मेहरबानी से इसको मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो साधक को कभी जुम्बश ना खाने देगा। इस साल बेशक हमें पूरे कलाम को अपने सामने रखना है, लेकिन इस आयत को खास अगर हम अपनी जिंदगी में ले और इस आयत को हमेशा हम अपने सामने रखें, तो मैं समझता हूं कामयाबी और कामरानी हमारा नसीब होगी। क्यों? इसलिए कि ये कलाम जो हमने चुना है, ये आयत जो हमने इस साल के लिए कलीसिया के लिए अपने लिए तरक्की के लिए बरकत के लिए चुनी है, इसमें बड़ा वाज़े खुदा का कलाम है, अपना बोझ अपने खुदावंद पर डाल दे, अपना बोझ अपने खुदावंद को दे दे। इसके मैंने ये है कि अपनी फिक्रें खुदावंद को दे दे, इसके मैंने ये है कि अपने मंसूबे खुदावंद को दे दे, इसके मैंने ये है कि अपने सारे प्लान्स जो है वो अपने खुदावंद को दे दे। कई दफा हम अपनी फिक्रों के नीचे, अपने बोझ के नीचे, अपने मंसूबों के नीचे दबकर रह जाते हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करते 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 थक जाते हैं, बल्कि बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन वो हमारी फिक्रें वहीं की वहीं रह जाती हैं, हमारे मंसूबे वहां के वहां रह जाते हैं, हमारे प्लान जो है वो अधूरे रह जाते हैं, वो सर अंजाम नहीं पाते, वो पूरे नहीं होते। लेकिन खुदा हम सबों के साथ हम कलाम है। इस साल में हमने गुजरे साल की तरह नहीं करना, अपने सारे मंसूबे आप खुदावंद पर डाल दें। अगर आप इस साल में घर बनाना चाहते हैं तो फिक्र ना करें, बल्कि अपने इस मंसूबे को खुदा के हाथों में दे दें। अगर आप इस साल में चाहते हैं कि आपके बच्चों के रिश्ते हो जाएं, शादियां हो जाएं, तो इन फिक्र से निकल जाएं कि रिश्ता दे उंदा ही नहीं, रिश्ता जिथे कर दे टूट जाता है, जहां हम कोशिश करते हैं वहां हम नाकाम होते हैं। आप इस बात को, इस ख्याल को चटक दे, उससे दूर कर दे, और इस ख्याल को, इस सोच को, इस मंसूबे को, इस प्लान को, इस बात को अपने खुदावंद पर डाल दे। और यही आप अपने ऐसे मंसूबे खुदा पर डालेंगे, खुदा आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्तों का इंतजाम करेगा। और आप वालदैन हैं, ना घबराएं, आप इस फिक्र से निकल जाएं। अगर आप इस फिक्र में हैं कि 2019 में हमें नौकरी नहीं मिली, हमने हर जगह एप्लीकेशन दी है, हमने हर जगह कोशिश की है और हर जगह से हमें नाकामी मिली है, आप इस फिक्र को, इस सोच को अपने अंदर से निकालें और इस फिक्र को खुदावंद पर डाल दें, क्योंकि रोजी रोजगार का मालिक हमारा खुदावंद है। वो ही अपनी मुट्ठी खोलता और हर शानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। इसलिए इस ख्याल से निकल जाए कि ये नौकरी नहीं मिलती, आपको खुदा पर भरोसा करना होगा और इस फिक्र को, इस सोच को, इस मंसूबे को, अपने इस काम को खुदा पर ढाल दें। उसे आपका बोझ उठाना है, वो आपकी फिक्र कर सकता है, वो आपका बोझ उठा सकता है, वो
आपको इस मुश्किल से छुटकारा दे सकता है सारिया नौकरियां खुदावंद के कोल ने। आप ना घबराएं, इस फिकर से निकलने की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई अच्छा बिजनेस मिले, और अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमेशा नाकामी नजर आई है, तो इस बात की फिक्र से निकल जाएं और अपने इस ख्याल को, इस प्लान को, इस मंसूबे को, बिजनेस के सारे काम को खुदावन के हुजूर में लाएं और उस पर डाल दें। आपका बिजनेस चमक जाएगा, आपका कारोबार चमक जाएगा, आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो काम बारिश से बरकत होगा। आप घर में बारिश से बरकत होंगे, आप बाहर बारिश से बरकत होंगे, और खुदा की कुदरत आपको संभालेगी और आपके बिजनेस को वो खुद संभालने शुरू करेगा। अपना भूल खुदा मन पर डाल दे। आपके बच्चे नलायक हैं, पढ़ते नहीं, और आपके बच्चे अगर जो है खुदसर हो गए हैं, वो जो है हुक्म नहीं मानते, इस फिक्र से निकल जाए। उनको खुदा के हाथों में देने की कोशिश करें, उनको खुदा की हजूरी में लाने की कोशिश करें, उनको खुदा के पास लाएं और इस फिक्र से निकले कि ये बदतमीज है, ये जो है नलायक है, ये नलायक हरकतें करता है, ये बातें सब की सब बुरी हैं, लेकिन खुदा उसे दुरुस्त करने की, उसे बेहतर करने की कुदरत रखता है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है, अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, अपनी सारी फिक्रें खुदावन को दे दे, और वो तुझे संभालेगा, वो हरकत हरकत तुझे दिदकारेगा नहीं, वो हरकत हरकत जो है तेरे लिए मुश्किल पैदा नहीं करेगा, और ये नहीं करेगा, कहेगा कि नलायक बच्चे मैनू दे देते नहीं। हरकत ऐसा नहीं होगा, वो उन बच्चों को तरबियत करना भी जानता है, उनकी इस्लाह करना भी जानता है, और उनकी नेचर को तब्दील करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए 2019 में जो नाकामियां हुई हैं उनको दोहराते ना रहे, 2019 में जो हमसे गलतियां हुई हैं उनको दोहराते ना रहे, बल्कि उन पर गौर करने की जरूरत नहीं। 2020 हम सबों के लिए हैप्पी है, हमारे लिए खुशी पैदा करेगा, और इसको हम 20 को अपने लिए खुशी का साल करार देते हैं, खुशी का साल कबूल करते हैं, बहाली का साल कबूल करते हैं। पिछले साल में जो कुछ हमारे साथ हुआ है, शायद हम बस्ती की तरफ गए हैं, शायद हम नीचे गए हैं, शायद हम नाकामी की राहों पर रहे हैं, लेकिन ये 2020 जो है हमारे लिए बरकत का साल है। सब कह सकते हैं आमीन। ये हमारे लिए सरफराजी का साल है, ये हमारे लिए कामयाबी का साल है। अपने लिए इसको कबूल करें, ये आपकी जिंदगी में खुदा की कुदरत बनकर साहिब हो। और बाइबल हमें बताती है कि पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रबाजी की तलाश करो, तो ये दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। और इसकी अगली आयत किसी के दिन में आ रही, इसमें अगली आयत जो है वो बड़ी जबरदस्त है, और वो ये है, प्रेज़ लॉर्ड की सही, प्रेज़ लॉर्ड, एक बार फिर भाई के लिए ताने बजा दे। अगली आयत बड़ी जबरदस्त है, ये आयत तकरीबन बहुत सारे लोगों को याद है कि जो है पहले
उसकी बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। ये बहुत सारे लोगों को याद है, लेकिन इससे अगला हिस्सा हमारी नजरों से ओझल है, गायब है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। बल्कि हमें जरूरत है कि हम बादशाही और राष्ट्रवादी की तलाश करें, तो फिर कल का दिन आपके लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है, आज के लिए आज ही की फिक्र काफी है। ये साल 19 जिसमें हमें नाकामियां हुई हैं, जिसमें हम बस्ती की तरफ गए हैं, हम गिर गए हैं, हमें नुकसान हुआ है, हम कई तरह से इस साल में मुश्किल में से गुजरे हैं, लेकिन ये साल हम सबों के लिए रोशनी का और खुशी का साल है। जोरदार तालियां बजा दें आपके लिए, अपनी कुदरत के जोर से संभाल लेता है और हमारी नाकामियां जो है वो हमारे लिए कामयाबी और सरफराजी बन जाती हैं। खुदा दुख में से भलाई पैदा करता। हमारा दुख जो है वो कितना बड़ा है इस पर नगर न करें। शायद हम ये समझते हैं कि हम जिस बस्ती में गिरे हैं, जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं, ये बड़ी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपकी मुश्किल, आपके दुख, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी से खुदा कई गुना बड़ा है। और वो खुदा जो बड़ा खुदा है, कुदरत का खुदा है, वो भी तुझे संभालेगा। संभालने वाला तेरा भाई नहीं। बेशक अगर भाई संभालता है तो मुझे खुशी होती है और ये बड़े फखर की बात है। संभालने वाला तेरा शौहर नहीं। बेशक ये अच्छी बात है कि शौहर संभालने वाला होता है। संभालने वाला तेरी बीवी नहीं कि वो तुझे संभाल रही है। इस बात से परेशान ना हो। ये इससे बढ़कर बात यह है कि खुदा तुझे संभालने वाला है। खुदा तुझे संभालेगा और तेरी मुश्किल से रफाई उसी के नाम से और उसी के कलाम से है। इस साल में ये आयत जो खुसूसी तौर पर चुनी गई है कि इस साल में हम इस आयत को खुसूसी तौर पर अपने सामने रखें और कैलेंडर पर लगी हुई ये आयत हम घर में आते जाते इस पर लगा रखें, तो इसका मकसद ये है कि हमारे सामने हमारा खुदा रहे, हमारे सामने हमारा खुदा रहे और हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल उस पर हमेशा चमक रहे। और अगला हिस्सा इस आयत का जो है वो बड़ा खास है कि वो सातों को कभी जुम्बश नहीं खाने देता। वो अपने ईमानदार को, अपने बरगजीदा को, चुने हुए शख्स को, बुलाए हुए शख्स को, ऐसा शख्स जो उसके बुलावे में चुनाव में आया है, ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी खुदावन के हुजूर दे चुका है, ऐसा शख्स जिसने सच्ची तौबा की है, जिसने खुदा पर भरोसा और तकिया रखा है और ईमान रखा है, लिखा है ऐसे शख्स को वो कभी जुम्बश नहीं खाने देता। ऐसा शख्स जो खुदा पर ईमान रखता है, ये ना समझे कि ये जो झटका आया है अब फिनिश है, ये
हरगज हरगज ना समझे क्योंकि खुदा अपने लोगों को संभालने की कुदरत रखता है। वो उसको जुम्बश नहीं खाने देगा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर है। और यीशु मसीह ने बड़ी वाज़े तालीम हम सबों के सामने रखी है। यीशु मसीह ने बड़ा जबरदस्त दर्श अपने लोगों को दिया और उन्हें कहा कि जिस शख्स की बुनियाद कलाम पर है गोया उसकी बुनियाद चट्टान पर है, और जिस शख्स की बुनियाद खुदा के कलाम पर है आंधियां आए तूफान आए बारिश हो और दगियानी आए वो हरगज हरगज उसको जुम्बश नहीं होगी क्योंकि उसका जो ईमान है वो खुदा पर है, उसका तकिया खुदा पर है, उसकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है। हमें खुदा के कलाम पर अपनी बुनियाद को लेना है। अगर हम कोई मंसूबा बनाते हैं तो उस मंसूबे में खुदा का होना बहुत जरूरी है। हम अपने मंसूबों को खुदा के कलाम पर खड़ा करें। हम अपने प्लान जो हम बनाते हैं तरक्की के कामयाबी के सरफराजी के और वो सब के सब प्लान जो है वो हम अपने खुदा के कलाम पर रखें, खुदा पर रखें, उस सच्ची मजबूत चट्टान पर रखें, यीशु मसीह पर रखें जो हमारी चट्टान हमारा मजबूत किला और वो जो हमारे छुपने की जगह है। उस पर जब हमारे प्लान जो हैं हमारे मंसूबे जो हैं अगर हम उस पर रखेंगे तो फिर जुम्बश नहीं होगी, फिर नाकामी नहीं होगी और फिर हमें कामयाबी कामरानी और सरफराजी मिलेगी। खुदा के कलाम में बड़ा वाज़े लिखा है अपना बोझ खुदा में डाल दी। आज अजीजों मैं सबको ये कहूंगा खुदा का कादर होते हुए उसकी आवाज आप तक पहुंचाते हुए ये कहूंगा अपना बोझ खुदा में डाल दो, अपनी फिक्रें खुदावन को दे दो, अपने मंसूबे खुदावन को दे दो, अपने प्लान्स खुदावन को दे दो, अपनी तमाम तर वो बातें जो आप करना चाहते हैं इस साल में 2020 में जो आपके ए, 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 काम हैं वो सब के सब खुदावन के हाथों में दे दो। वो ही संभालेगा, वो ही संभालेगा। और मैं आपको बताऊं गारंटी के साथ बताऊं कि वो संभालने की कुदरत रखता है। ना उम्मीद ना हो, मायूसी ना हो, बल्कि हैप्पी हैप्पी रहे। प्रेज़ लॉर्ड, ये साल हमारे लिए इसको हमने कलीसिया ने क्या करार दे दिया है, हैप्पी हैप्पी 2020। 2020 कलीसिया के लिए खुशी का साल है। 2020 कलीसिया के लिए शादमानी का साल है। 2020 कलीसिया की सरफराजी का साल है। 2020 कलीसिया की कामरानी का साल है। 2020 मायूसी और हर तरह की परेशानी को दूर करने का साल है। और मैं आज एक फैमिली के साथ बैठा हुआ था और हमारी कुछ गुफ्तगु हो रही थी और मुझे जो है पिछले संडे एक खास एक शख्सियत के लिए मैंने दुआ की और मुझे उसका जो है ना बताया जा रहा था और बड़ी खुशी की बात और बड़े मुआवजे की बात मुझे बताई जा रही थी कि किस तरह खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और किस तरह से जवाब मिल रहा है। और 20 जो है सबके लिए बरकत का साल है। सब कहे आमीन, 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 इसे कबूल करें। और
इसे खुशी के साल के तौर पर कबूल करें और खुदा की स्ताइश करें, खुदा की तमजीद करें, खुदा के पाक नाम को जलाल दें। वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वही अपने लोगों के साथ होता और उन्हें जलाल बख्शता है। आए हम अपने सर खुदा की हजूरी में झुकाएं।